हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एससी नॉलेज पर। आज 31 दिसंबर 2018 है। आज हम लेकर आए हैं 25 दिसंबर 2018 से लेकर 31 दिसंबर 2018 तक के करंट अफेयर्स से जितने भी इंपॉर्टेंस क्वेश्चन बनेंगे अपन उसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर एक से। आज का क्वेश्चन नंबर एक है, हाल ही में मध्य प्रदेश के किस वन जीव अभ्यारण्य को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा कोनो वन जीव अभ्यारण्य। तो अभी हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने कूनू को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है। इसमें 404 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को शामिल किया गया है। कूनू को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किए जाने के बाद गुजरात के गिर से एशियाई शेरों को इजीली ट्रांसफ़र किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर टू है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य के मुख्यमंत्री को चैंपियन ऑफ चेंज पुरस्कार 2018 से सम्मानित किया है। तो अभी हाल ही में हमारे देश के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह को चैंपियन ऑफ चेंज पुरस्कार 2018 से सम्मानित किया है। इसके अलावा हमारे देश की केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति और केंद्रीय जनजाति मामले के मंत्री सुदर्शन सिंह तथा सांसद निष्कांत दुबे को यह सम्मानित यानी सम्मान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, किस भारतीय ने वर्ल्ड स्कॉलर्स कप 2018 का जूनियर डिबेट चैंपियनशिप जीता। तो अभी हाल ही में क्वेश्चन नंबर थर्ड है, किस भारतीय ने वर्ल्ड स्कॉलर कप 2018 में जूनियर डिबेट चैंपियनशिप को जीता। तो आदिसाई विजय करण ने। तो अभी हाल ही में चेन्नई के 13 वर्षीय आदिसाई विजय करण ने वर्ल्ड स्कॉलर्स कप 2018 में जूनियर डिबेट चैंपियनशिप को जीता। इस प्रतियोगिता का आयोजन अमेरिका के एल यूनिवर्सिटी में किया गया। आदि को वैश्विक वाद विवाद प्रतियोगिता में विश्व का सर्वश्रेष्ठ स्कूली डिबेटर घोषित किया गया है। वे इस चैंपियनशिप को जीतने वाले पहले भारतीय हैं। इस बार इस प्रतियोगिता की थीम थी एन इंटेंगल्ड वर्ल्ड डिप्लोमेसी ह्यूमन रिलेशनशिप द साइंस ऑफ मेमोरी एंड लिटरेचर आर्ट। एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, एन इंटेंगल्ड वर्ल्ड डिप्लोमेसी ह्यूमन रिलेशनशिप्स द साइंस ऑफ मेमोरी एंड लिटरेचर आर्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फोर है, आर्थिक पूंजी फ्रेमवर्क की समीक्षा के लिए किसकी अध्यक्षता में RBI ने समिति का गठन किया है। तो वो किया है बिमल जालौन हमारे RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व गवर्नर। इनकी अध्यक्षता में 6 सदस्यीय टीम को गठित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फाइव है, हाल ही में किस देश ने हाइपरसोनिक परमाणु हथियार डिलीवरी सिस्टम अवनगार्ड को सफल परीक्षण किया है। तो वो किया है रूस ने। तो अभी हाल ही में रूस ने हाइपरसोनिक परमाणु हथियार डिलीवरी सिस्टम अवनगार्ड का सफल परीक्षण किया है और उसने यह 6000 किलोमीटर दूर स्थित अपने लक्ष्य को कमच चटका में कूरा सेटिंग रेंज में अपने लक्ष्य को सटीकता से भेजा। और इस बार इसका निर्माण न्यू कंपोजिट मटेरियल से बनाया गया और इसकी एक खास बात यह है कि 2000 डिग्री सेल्सियस के तापमान को आसानी से सह सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सिक्स है, किस अरब देश ने सीरिया के साथ 6 वर्ष बाद अपनी राजनयिक सेवा पुनः शुरू की है। वो की है संयुक्त अरब अमीरात ने। तो अभी हाल ही में सीरिया के 6 वर्ष बाद अपनी राजनयिक सेवा पुनः संयुक्त अरब अमीरात ने शुरू की है। यह घटना अमेरिका द्वारा सीरिया से अपने सैनिक को वापस बुलाने के बाद हुई। इससे पहले फरवरी 2012 में संयुक्त अरब अमीरात ने सीरिया से राजनयिक संबंध स्थापित यानी समाप्त कर लिए थे। 2011 में सीरिया को 22 सदस्यीय अरब लीग से बाहर किया गया था। तो अभी हाल ही में सीरिया के 6 वर्ष बाद अपनी राजनयिक सेवा पुनः शुरू की है संयुक्त अरब अमीरात ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवन है, हाल ही में सुर्खियों में रहा बहुधा रूकरी स्थान किस राज्य में स्थित है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ओडिशा में बहुधा रूकरी स्थान स्थित है। अब ये जान लेते हैं, ओडिशा के वन विभाग ने
बहुधा रूकरी को ओलिव रिडली कछुओं के आवास के लिए चुना। ओलिव रिडली कछुओं की नेस्टिंग साइट के लिए 3 किलोमीटर क्षेत्र को विकसित किया गया है। कछुआ ओडिशा राज्य में विलुप्त होने जा रहे हैं, यानी एकदम से विलुप्त होते जा रहे हैं। ये कछुआ मुख्य रूप से ओडिशा के गाहिर माथा तट पर पाया जाता है। ओडिशा में ओलिव रिडली का वैश्विक जनसंख्या का कुल 50% एवं भारत में ओलिव रिडली की जनसंख्या 90% का हिस्सा पाया जाता है। तो बहुधा रूकरी स्थान ओडिशा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 8 है, भूटान के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन हैं? वो हैं लोते शेरिंग। तो अभी हाल ही में भूटान के प्रधानमंत्री 27 दिसंबर से हमारे 3 दिवसीय यात्रा यानी भारत पर आए हुए हैं। तो भूटान के प्रधानमंत्री लोते शेरिंग 27 दिसंबर को भारत की 3 दिवसीय यात्रा पर भारत पहुँचे। उनकी यह यात्रा काफ़ी महत्वपूर्ण है। उनकी यात्रा भारत और भूटान के बीच आधिकारिक राजनयिक संबंध शुरू करने की स्वर्णिम जुबली के अवसर पर की जा रही है और यह न्यू दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में उनका स्वागत किया गया। अपनी यात्रा के दौरान वे महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात भी करेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में सुर्खियों में रहा माउंट एटना कहाँ पर स्थित है? तो वो है इटली में। माउंट एटना इटली में स्थित है। अभी हाल में माउंट एटना में एक ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था। माउंट एटना ये इटली में स्थित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, मोहम्मद रफ़ी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे दिया गया? वो दिया गया लक्ष्मीकांत शांता कुदलकर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है, किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय व्हेलिंग आयोग की सदस्यता छोड़ने का फैसला किया है? इंटरनेशनल व्हेलिंग काउंसिल की सदस्यता छोड़ने का जापान ने प्लान बनाया है अभी हाल ही में। क्वेश्चन नंबर 12 है, मिसेस इंडिया 2018 दिव्या पाटीदार जोशी किस राज्य से हैं? वो हैं मध्य प्रदेश से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 13 है, तानसेन सम्मान 2018 से किससे सम्मानित किया गया? वो किया गया मंजू मेहता को। मध्य प्रदेश सरकार ने तानसेन सम्मान 2018 से मंजू मेहता को सम्मानित किया है। ये मध्य प्रदेश का एक सुप्रसिद्ध सम्मानित अवार्ड है। क्वेश्चन नंबर 14 है, कॉरपोरेशन बैंक का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? वो किया गया पीवी भारती को। अभी हाल ही में कॉरपोरेशन बैंक का नया चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पीवी भारती को नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत सरकार ने राष्ट्रीय एकीकरण पुरस्कार किस महान हस्ती के नाम पर शुरू किया है? वो किया है सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, असम की कोकिला किसे कहा जाता है? वो किया बोला जाता है दीपाली बोरठाकुर को। दीपाली बोरठाकुर की अभी हाल ही में 97 वर्ष की आयु में उनकी मौत हुई है। क्वेश्चन नंबर 17 है, हाल ही में किस राज्य ने मॉब लिंचिंग पर बिल पारित किया है? तो अभी हाल ही में मणिपुर ने मॉब लिंचिंग पर एक बिल पारित किया है। मणिपुर में आए दिन मॉब लिंचिंग घटनाएं हो रही थी। यहाँ पे मणिपुर की सरकार ने मॉब लिंचिंग पर एक बिल पारित किया है। मॉब लिंचिंग होता है क्या है? मॉब लिंचिंग एक किसी आरोपित व्यक्ति पर, यानी एक भीड़ उत्तेजित होकर किसी व्यक्ति पर हमला करना मॉब लिंचिंग कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, हाल ही में साइकिल द्वारा सबसे तेज विश्व का चक्कर लगाने वाली एशियाई महिला कौन है? वो है विदागी कुलकर्णी। क्वेश्चन नंबर 19 है, राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया गया? तो अभी हाल ही में राष्ट्रीय किसान दिवस 23 दिसंबर को मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, क्वेश्चन नंबर 20, हाल ही में सुर्खियों में रहा क्राकाटुआ द्वीप किस देश में स्थित है? वो है इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया में क्राकाटुआ द्वीप स्थित है।
फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, थैंक यू।